हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाज़ार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, ओके, जिसका आपको फ्यूचर में काफ़ी यूज़ होने वाला है, ओके, जिसकी आपको ज़रूरत भी पड़ेगी, ओके। ऐसे टॉपिक के बारे में हम बात करना चाहते हैं करेंगे और इस टॉपिक पे आने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो जो टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है बाई ऑन डिप्स। तो बाई ऑन डिप्स होता क्या है, व्हाट इज़ बाई ऑन डिप्स स्ट्रेटजी। तो बाइंग द डिप्स रेफर टू द परचेजिंग एन एसेट आफ्टर इट हैज़ डिक्लाइन इन प्राइस विद द एक्सपेक्टेशन दैट इट विल रिबाउंड और शोन एन अप ट्रेंड इन द फ्यूचर नियर और लॉन्ग टर्म। ओके, जैसे कि आपको मैं हमेशा बताता हूँ कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट का नज़रिया होना चाहिए हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए। तो बाई ऑन डिप्स कहाँ पर, सब आपको पता भी होगा बाई ऑन डिप्स, ओके, बट काफ़ी सारे लोगों को बाई ऑन डिप्स नहीं पता होगा, ओके, और ये नहीं पता होगा कि बाई ऑन डिप्स करना कहाँ पर है। क्या हर एक शेयर में हम बाई ऑन डिप्स कर सकते हैं, ओके। तो बाई ऑन डिप्स का पहले तो मतलब मैं बता देता हूँ कि बाई ऑन डिप्स मतलब कोई चीज़ नीचे आ गई है तब हमें बाई करना है। एक शेयर है 100 रुपये का, ओके, वो 90 पे आ गया है, वो 80 पे आ गया है, वो 70 पे आ गया है, वो या वो 50 पे आ गया है, ओके। तो उसे उस टाइम ख़रीदना, जैसे कि अभी कोविड में देखा होगा शेयर के दाम घट गए थे, ओके, सारे शेयर क्रैश हो गए थे, तो लोगों ने ख़रीदा। कहाँ पर ख़रीदा, जब वो नीचे आ गए थे, तो वो डिप्स आई थी, नीचे गिर गए थे, तो वो ख़रीदना, तो उसे कहते हैं बाई ऑन डिप्स। तो यही सिंपल मतलब है जब, और ये क्यों, ताकि आपको पता है कि ये शेयर फ्यूचर में बढ़ेगा, तो कौन से शेयर फ्यूचर में बढ़ेंगे, ओके, उस पे ही हमें बाई ऑन डिप्स लगानी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी देख रहे हैं आप, जब हमारा 6 महीने का ये चार्ट पैटर्न है, निफ्टी 50 आपके सामने है, ओके, 12,270 के आसपास, ओके, ये 12,300 समझ लीजिए, यहाँ पर लगभग लगभग ये निफ्टी चला करती थी आज से 6 महीने पहले, ओके, और अभी लगभग लगभग 11,550 11,560 के आसपास ये निफ्टी ट्रेंड कर रही है। मतलब इसने जो ये गिरा था, ओके, 7,600 पे आया था, पूरा का पूरा इसने कवर कर लिया, पूरा मार्केट कवर हो चुका है, लगभग कितना, 51% 52% समझ लीजिए, मार्केट पूरा कवर हो चुका है, ओके। बट इसका तालमेल कुछ नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि इकोनॉमिक हमारी डाउन है, अनएम्प्लॉयमेंट डाटा आज बहुत ज़्यादा है, पी रेशो 31-32 का हम यहाँ पर हमेशा चल रहा है, जो कि कभी फ्यूचर में हुआ नहीं है, सॉरी, कभी भी पास्ट में हुआ नहीं है, ओके। तो इसलिए इस स्ट्रेटजी की ज़रूरत आपको फ्यूचर में पड़ने वाली है, ओके, क्योंकि हमारे जो आरबीआई के गवर्नर है, ओके, उन्होंने, और बड़े बड़े एनालिस्ट हैं, उन्होंने कह दिया है कोई तालमेल नहीं है शेयर मार्केट का, अभी शेयर मार्केट का और जो इकोनॉमी है इससे कोई तालमेल नहीं बन रहा। कोई भी बिजनेस, काफ़ी बिजनेस है जो चल ही नहीं रहे, बट उनके शेयर भागे जा रहे हैं, ओके, तो वो भागे जा रहे हैं। फार्मा समझ सकते हैं, फार्मा ने अच्छे रिटर्न दिए, चल रहे थे, कोविड था, डिजीज़ थी एक, तो चल रहा था, एफएमसीजी चल रहा था, आईटी चल रहा था, टेक्नोलॉजी चल रही थी, ओके, जियो चल रहा था, एयरटेल चल रहा था, इस तरीके के शेयर चल रहे थे, ओके, बट ऐसे बहुत सारे शेयर थे जिनके बिजनेस बंद थे, ओके, बट उनके भी शेयर के आप दाम देखिए डबल हो चुके हैं, ओके, वो भी भागे जा रहे हैं। तो अभी बहुत बड़ा क्राइसिस फ्यूचर में आने वाला है, कब आने वाला है पता नहीं, ओके, कभी भी आ सकता है, बट उसके उस जब वो आएगा तो क्या करना है। तो देखिए, रिलायंस का शेयर है, जब मार्केट क्रैश होगा कभी भी फ्यूचर में, ओके, तो आपको एक स्ट्रेटजी की ज़रूरत पड़ेगी, और वो स्ट्रेटजी क्या होगी, बाई ऑन डिप्स, ओके, उस स्ट्रेटजी की ज़रूरत आपको तब पड़ने वाली है। तो बाई ऑन डिप्स के होता क्या है और किस शेयर में करना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ओके। बाई ऑन डिप्स पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि किन शेयरों में करना है। बाई ऑन डिप्स आपको जो करना है फंडामेंटल स्ट्रांग शेयर में करना है, जिनका मार्केट कैपिटल अच्छा है, जो ब्लू चिप कंपनी आए उनमें आपको बाई ऑन डिप्स करना है। आप हर एक कंपनी में बाई ऑन डिप्स नहीं कर सकते, अगर हर एक कंपनी में आप बाई ऑन डिप्स करने लग गए ना, तो आपको इतना बड़ा लॉस होगा कि आप कभी भी उभर नहीं पाओगे उस लॉस से, ओके। बट आप स्ट्रॉन्ग शेयर में इन्वेस्ट करते हैं जिनका फ्यूचर अच्छा है, जो आपको पता है कि आने वाले 5 और 10 साल में, जैसे कि इसमें दे रखा है, देखिए, इन द फ्यूचर, तो आपको लगता है कि फ्यूचर में रिलायंस है, जियो का बिजनेस है, दो ही अभी मोनोपोली है, एक जियो एयरटेल, ओके, इन दो शेयर को ही आगे चल के 5 साल 10 साल, और स्पेशली जियो, रिलायंस जियो, ओके, रिलायंस इंडस्ट्री,
ओके, इनका वो भी बिजनेस रिटेल बिजनेस में उतरने वाला है, प्लस में ये जियो, ये फ्यूचर के बारे में सोचता है, तो ऑब्वियसली इसके शेयर के टाइम, अगर ये कल की डेट में मार्केट क्रैश होता है और ये 1,000 रुपये भी आता है, तो आपको ये डरना नहीं है, ओके, आपको बेचना नहीं है, उस टाइम आपको और ख़रीदना है। ऐसे ही इन्फोसिस, TCS, ओके, 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखिए किस तरीके से ये भागे भागे है, ये दिखाता है कि ये कंपनी कितनी मजबूत है। ओके, तो बहुत सारी कंपनी है जो 6 महीने पहले नहीं चलती थी बट भाग रही है, ओके, उन शेयरों को भी आपको अवॉइड करना है। आपको क्लियर वार्निंग दे रहा हूँ कि ऐसे बहुत सारे शेयर है, ओके, जो चल ही नहीं रहे, ओके, बट उन शेयरों को देखना जो आपको कंटिन्यूसली, जिनका चार्ट पैटर्न इस तरीके से चलता है, जिनका चार्ट पैटर्न हमेशा ऊपर की तरफ चलता है, उन उन कंपनियों की तरफ ध्यान देना, उन्हीं कंपनियों में आप इन्वेस्ट करना एट दैट टाइम, ओके, और क्या करना है, बाय ऑन डिप्स। अगर 950 का शेयर, आप अगर मार्केट क्रैश होती है तो सारे शेयर गिरेंगे, ऑब्वियस सी बात है, ऐसा कोई शेयर नहीं होगा जो नहीं गिरेगा। कोविड में आप देख चुके हैं अच्छे अच्छे शेयर गिरे हैं, FMCG गिरा है, IT गिरा है, रिलायंस गिरा है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो ऑलरेडी गिरा पड़ा था, ऑटो था, जितने भी शेयर थे गिरे, ओके, बट वो अच्छे शेयर थे, वो सारे के सारे शेयर बड़े हैं। तो बाय ऑन डिप्स क्या करना है, कब करना है आपको, ओके, आपको बाय ऑन डिप्स उन्हीं शेयरों में करना है जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है, इस बात को ध्यान रखिए। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी ये होता है कि आपको शेयर आपका 1,000 रुपये पे चल रहा है अभी, ये जैसे कि लगा लीजिए 950 पे चल रहा है, कुछ मार्केट क्रैश होता है जो कि फ्यूचर में ज़रूर होगा, ओके, 9950 का शेयर अगर 500 रुपये पे आ जाता है तो आपको घबराना नहीं है, आपको ये सारे शेयर जो आपके पास है वो पोर्टफोलियो से निकालने नहीं है इस डर से कि वो कल बढ़ेंगे नहीं, तो वो आपको और ख़रीदने का मौका होगा, तो आप उसे और ख़रीदिए, ओके। और ये ऐसे जो शेयर होते हैं ना फंडामेंटली स्ट्रांग, ये इतनी ताकत रखते हैं कि ये और तेज़ी से भागेंगे। 6 महीने पहले देखिए ये केवल कितने का था, लगभग 750 रुपये का, कितने पे आया, 550 पे, 500 रुपये के लगभग, और फिर देखिए 750 का लेवल भी तोड़ दिया और आज 950 रुपये पे यहाँ पर आ चुका है। तो ऐसे ही शेयरों में आपको इन्वेस्ट करना है, ऐसे शेयर में मत कर लीजिएगा जैसे कि आपको, देखिए मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखिए, ओके, अच्छा एकदम ग्रीन में दिखाई दे रहा है, बट देखिए दो दो साल, येस बैंक की बात कर रहा हूँ, ये येस बैंक का शेयर है, ओके, तो ये नीचे जाता जा रहा है, इन अगर ये कुछ मिस हैपनिंग होती है, 14 रुपये का शेयर है, मार्केट गिरता है 7 रुपये पे आ जाता है, तो इतना मत भागिएगा इस इन शेयरों के पीछे कि ये शेयर उभर ना पाए। ये अब येस बैंक के अलावा बहुत सारे ऐसे शेयर हैं, ओके, जो कि डूबे पड़े हैं, तो उनमें इन्वेस्ट करने की गलती मत करिएगा, करिएगा ऐसे शेयर जो कि हिम्मत रखते हो दोबारा उठने में, ओके, थोड़ा बहुत उछाला जाएगा। और येस बैंक को बेकार इसलिए नहीं, अभी हम बातें नहीं कर सकते, आप कह सकते हो कि 35,000 करोड़ का इन्होंने कर्जा वापस कर दिया RBI का, जरूर कर दिया, बट अभी भी इसमें बहुत खतरा है, ओके, लोग अभी अपनी डिपॉजिट तक रखने में इसमें घबरा रहे हैं, तो बाय ऑन डिप्स आपको करनी है, तो बाय ऑन डिप्स हमेशा करो अच्छे शेयर्स में, बेकार शेयर में बाय ऑन डिप्स कभी मत करना वरना फंस जाओगे। तो ये था बाय ऑन डिप्स का सिंपल फॉर्मूला कि शेयर कोई गिर रहा है, अच्छा शेयर कोई गिर रहा है, मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, फंडामेंटली एन अ गुड शेयर इफ डिक्लाइन, ओके, एट दैट टाइम यू हैव टू बाई दैट शेयर, ओके, इन द डिप्स, ओके, वो फ्यूचर में आपको अच्छा अच्छा इन्वेस्टमेंट, अच्छा रिटर्न आपको देगा। तो ये ही था इस वीडियो का पर्पस, आपको अच्छा लगे ये इन्फॉर्मेशन तो सबके साथ शेयर करिए, ओके, और इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करिए ताकि इस तरीके की बेहतरीन वीडियो आपके सामने लाते रहे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।